दुआ करें आपके जैसी सास आपकी बेटी को ना मिले। आज इस घर में खुशी की पहली रात थी। नई नवेली दुल्हन खुशी सरमाई सी सुबह 5 बजे ही उठकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सासू माँ दिख गई। खुशी उन्हें देखते ही झुककर पैर छूकर खड़ी हो गई और पूछा, माँ जी जो नाश्ते में बना है बता दे, मैं बना देती हूँ। तब खुशी की सास बोली, अरे नहीं बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है और इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई? बहू तो हमारा जमाना था जब सास से पहले बहू के जागने का रिवाज था। कल से आराम से जागना, जैसी मेरे लिए मेरी बेटी है वैसी तू मेरी बेटी है। खुशी तो बहुत खुश हुई कि सासू माँ तो बहुत अच्छी सोच रखती है। सासू माँ की बात सुन खुशी मन ही मन खुद पर इतरा उठी, कितना अच्छा घर मिला है मुझे, यहाँ तो मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। सासू माँ बहुत अच्छी है, मैं भी इनको अपनी माँ की तरह प्यार करूंगी। कुछ दिन बाद खुशी रसोई में चाय बना रही थी, तब खुशी की सास आई, अरे बहू अभी तो तेरी मेहंदी की रंग भी फीके नहीं हुए हैं, पहली रसोई हो गई ना, बस रसम हो गया, इतना ही काफी है, अभी आराम करो, ये सब काम तो जिंदगी भर करने हैं, मैं कर लूंगी। तब सासू माँ खुशी के हाथ से छन्नी ले प्यार से कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी ऐसे कैसे, जब हम दोनों घर में हैं तो आप अकेली क्यों करेंगी। खुशी असमंजस में पड़ गई, और मम्मी काम ही कितने हैं घर में, हम 4 लोग तो हैं। सास हंसकर बोली, चल तू बैठ आज मेरे हाथ की चाय पीकर देख। सासू माँ उसे रसोई से बाहर जाने के लिए कहती है। खुशी असमंजस में बैठ गई, उलटने पलटने लगी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक की आवाज से खुशी दरवाजा खोलती है और पड़ोस की रमा चाची अंदर आती हुई पूछती है, अरे बहू तेरी सास सुलोचना कहाँ है? रसोई में धीमे से खुशी जवाब देती है, अच्छा बोलिए पड़ोसी चाची। खुशी को घूरती रसोई में चली गई, नहीं नहीं बैठेंगी नहीं, तेरी हालात पर तो तरस आ रहा है, अपनी बहू को ही चाय नाश्ता करा, तेरी बहू ये खुशी सही नहीं है। बेचारी बुढ़ी सास रसोई में खपे और बहू मजे करे बोलती हुई चाची खुशी को घूरती चली गई। खुशी को ऐसा महसूस हुआ जमीन फट जाए और ओ समा जाए। तब सास आ गई और बोली, छोड़ बहू आग लगाने की तो इसकी पुरानी आदत है, मैं चाय लेकर आती हूँ। बोलकर सुलोचना जी रसोई की ओर चली गई। एक दिन शाम को जब नितिन ऑफिस आया तो खुशी रसोई में खाना बना रही थी। तब सासू माँ ने खुशी को आवाज दी और नितिन से बोली, जाओ तुम दोनों कहीं घूम आओ, नई नई शादी हुई है, शौक अरमान होते हैं हर लड़की के, जा खुशी जल्दी जा तैयार हो जा, बिल्कुल घर घुस्सू है, ये लड़का पत्नी को लेकर कहीं आता जाता नहीं है, लड़कियों की कितनी चाहते होती है समझता ही नहीं है, जब तू तैयार हो जा। सासू माँ खुश होकर कहती है, लेकिन मम्मी जी घर के सारे काम पड़े हैं और हमारी सहायिका सबों को भी आपने आज ही छुट्टी दे रखी है, आपकी किट्टी भी है, ऐसे में कैसे खुशी जो कि सासू माँ के साथ ही बैठ गई आश्चर्य से सासू माँ को देख बोल रही, बहू तू परेशान क्यों होती है, सब हो जाएगा, कोई बड़ा काम थोड़ी ना है, नितिन ले जा इसे। सासू माँ की जिद पर खुशी नितिन के साथ घूमने चली गई। खुशी बहुत खुश थी कि इतना काम होते हुए भी माँ ने उसको बाहर भेज दिया, लोग पता नहीं क्यों सास को इतना बुरा कहते हैं, मेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी है। खुशी का पूरा ध्यान सासू माँ की तरफ ही था, वो अपने पति नितिन से बोली, घर चलो। क्या नितिन बस आउटफिटिंग हो गई, मम्मी जी अकेली कैसे मैनेज करेंगी, वो तो इतनी अच्छी है, ये सिर्फ हमारे बारे में सोचती है, लेकिन उनका ध्यान रखना हमारा भी तो फर्ज बनता है। कोल्ड कॉफी पीने के बाद खुशी कहती है, नितिन कहता है ठीक है दोनों घर के लिए निकलते हैं। तभी नितिन के किसी दोस्त का फोन आ जाता है, खुशी मुझे कुछ काम है, तुम कैब लेकर घर चलो, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। नितिन कहता है कि ठीक है, कहकर खुशी कैब लेकर घर की ओर रवाना हो गई। सुलोचना बहू कहाँ है, तुझे पता नहीं था क्या उसे कि आज तेरी सहेलियां आने वाली है, शर्मा जी की
आवाज सुन खुशी के कदम दरवाजे पर रुक गए। तब सास की आवाज आती है, क्या कहूँ, पता था उसे सब, लेकिन घर में पैर टिकते कहाँ है, उसके सबों भी नहीं आएगी, ये भी जानती थी। ओ लेकिन मेरी किस्मत, पहले सासू माँ की सेवा में लगी रही और अब बहू के उस दिन तो तूने देखा ही था, वरना सुलोचना जी अपने चेहरे पर बेचारगी का भाव लाकर कहती है, हाँ पूरी महारानी है इसकी बहू। उस दिन मैं आई तो सुलोचना चाय बना रही थी और महारानी मैगजीन पढ़ रही थी, वरना कहती है, अरे ओ तो किसी काम से मैंने सुलोचना को फोन किया और सुलोचना ने आने के लिए कहा, नहीं तो इसकी ऐसी हालत है, कभी खबर ही नहीं होती, वरना कहती कि कोई क्या कर सकता है, बेटे पर भी तो जादू कर रखा है, उसने नितिन भी जानता था, आज तुम लोग आओगी, और पत्नी के कहने पर एक बार भी उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ अकेली कैसे काम करेगी। पत्नी ने हुक्म किया, जोरू का गुलाम चल दिए, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, तभी खुशी आती है और कहती है, बस मम्मी जी बस, मैंने आपका ये दोहरा चेहरा तो देखा ही नहीं था, मैं तो इसी गुमान में थी कि मुझे दूसरी माँ मिल गई, मैं तो सोचती थी सास तो इतनी अच्छी होती है, फिर क्यों लोग सास को बदनाम करते हैं, लेकिन आपका ये रूप देख मुझे समझ में आ गया है, मुझे क्या पता था कि आप अपनी बेचारगी दिखाने के लिए स्वीट बन रही हैं, कम से कम अपने बेटे को तो बख्श देती जिसे आपके इन कर्मों का पता नहीं, शुक्र है कि नितिन को कहीं जाना था और मैं अकेली आई, आपका ये रूप देखकर अरविंद किए का लांछन सुन क्या गुजरती उन पर, आप तो आज अपने बेटे के नजरों में गिर जाती, माँ जी आपकी भी एक बेटी है, मैं दुआ करूंगी आपकी जैसी सास उस मासूम को ना मिले, अब अपनी सहेलियों को मेरे कहे का अर्थ समझाइए, मेरी जरूरत लगे तो बेझिझक बुला लीजिएगा। बोलती हुई खुशी सब पर सरसरी निगाह डालती अपने कमरे की ओर बढ़ गई, खुशी के ये यकीन विश्वास और मान का आज खून हो गया था, वो तो बहुत खुशी थी, लेकिन आज उसकी सास का असल चेहरा उसके सामने था, आज खुशी की सारी गलत फहमी दूर हो गई थी।